आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम लोगों के साथ में काम करते हैं तो काम करने में कम्युनिकेशन कैसा अच्छा कर सकते हैं और दो तीन व्यक्तियों को काम करने में सुविधा कैसी अच्छी बना सकते हैं, उसका क्या टेक्निक। देखिए होता क्या है कि मैं किसी को कुछ बोलता हूं कि मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे आपको विनती करता हूं कि आप ये फलाना फलाना काम ये आप करो, या फिर मैं ऐसा उसको बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बताने का है तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि भाई कल आप ऐसा करो कि कल सवेरे मुझे 10 बजे मिलो और हम साथ में 10 बजे मिलके ये काम करेंगे। और सिर्फ मैं किसको रिक्वेस्ट करता हूँ, होता क्या है कि वो कुछ बोलता नहीं, वो हाँ नहीं बोलता ना नहीं बोलता, सुन लेता है, कभी कभी अनसुना कर देता है। मैं समझ लेता हूँ कि उसने सुन लिया और उसने हाँ बोल दिया। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि उससे कन्फर्म जवाब लेना। जब मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि 10 बजे मिलने का है तो उससे कन्फर्म मैंने जवाब लेना, ये मेरी जिम्मेदारी है। कि भाई एक तो उसने हाँ बोलना चाहिए कि हाँ 10 बजे मिलता हूँ, एक तो उसने ना बोलना चाहिए कि नहीं मैं 10 बजे नहीं मिलता हूँ, एक तो उसने बोलना चाहिए कि नहीं मैं 10 बजे नहीं मैं 11 बजे मिलता हूँ या शाम को मिलता हूँ, या फिर एक ये बोल सकता है वो कि मैं अभी कुछ बता सकता नहीं हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने कब आपको मिलूँगा करके। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन में चार ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर एक जो है वो ये है कि सामने वाला आदमी आपको यस बोलता है, जिम्मेवारी मेरी है कि मैंने उसे यस लेना चाहिए, या उसने नो बोलना चाहिए मैंने नो लेना चाहिए, या फिर तीसरा है कि उसने मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं मेरी काउंटर ऑफर ये है कि मैं आपको 10 बजे नहीं मैं आपको 11 बजे मिलूँगा, या फिर चौथा कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ कितने बजे मिलना है मगर मैं आपको इतने इतने समय के बाद में बताऊँगा कि मैं मिल सकता कि नहीं, अभी मैं इसके बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हूँ। ऐसे चार में से कोई ना कोई जवाब मैंने लेना चाहिए ताकि कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि हाँ उसने तो हाँ बोल दिया, उसने तो मुख सम्मति दे दिया, वो तो करने वाला ही है। अच्छा फिर कोई मुझे रिक्वेस्ट करता है, मुझे कोई रिक्वेस्ट करता है, अभी उस समय मेरी भी ये जिम्मेवारी है कि मैंने उसको एक तो हाँ बोलना चाहिए यस मैं करता हूँ, नंबर दो उसमें उसको मैंने एक तो ना बोलना चाहिए कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, या फिर तीसरा मैंने उसको बोलना चाहिए कि नहीं ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, मतलब मैं काउंटर ऑफर दे सकता हूँ, और चौथा जो है कि मैं अभी इसके बारे में कुछ भी बोल सकता नहीं, मैं आपको फलाने फलाने टाइम पे 12 बजे या शाम को इसका जवाब दूंगा। मतलब ये जब कोई रिक्वेस्ट मुझे करता है तो मैंने ये करना चाहिए, या मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ तो उससे वो जवाब लेने की जिम्मेवारी मेरी है और वो मैंने करना चाहिए। यदि हम ये कम्युनिकेशन में करते हैं तो कम्युनिकेशन संवाद जो है वो अच्छा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ब्रेकडाउन नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है कि सामने वाला कभी कभी हो सकता है कि मेरी मुख सम्मति ऐसा वो समझेगा, या मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैं समझूंगा कि उसकी मुख सम्मति और वो मिलने वाला है, और उसमें फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, काम करने में ब्रेकडाउन हो जाएगा, काम बराबर होंगे नहीं। तो जिम्मेवारी से यदि कम्युनिकेशन करना है तो ये चार में से एक जवाब मैंने किससे भी लेना जरूरी है। यदि आप ये करते हो आपके कम्युनिकेशन में, डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाएगा, आपकी काम करने की जो कंडीशन है वो कंडीशन अच्छी हो जाएगी, काम करने में सुलभता होगी, काम बराबर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और आपको कोई भी काम में व्यवहार में आपको सफलता आएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हमारा जो संकल्प है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे तो हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट को विथ रिलेटिव्स रिश्तेदारों के साथ में बिना रिश्तेदार लोगों को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं। हमारे फोन नंबर नीचे दिए हुए, वहाँ आप कॉल करके हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।